Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargava. Today we are going to do another section of Unit 3. Unit 3 is from Block 1 MPCE 013, that is M.A.P.C. 2nd year clinical psychology students. This video is for you guys. I have already made one video where we had studied about short-term psychotherapy, features of short-term therapies. Today we are going to read about overview of brief therapies. So अभी तक हम लोगों ने इतना किया है, आज हम brief therapies के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। और इससे पहले कि मैं start करूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो आज हम देखेंगे जितनी भी ब्रीफ थेरेपीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक का नाम है ओवरव्यू ऑफ ब्रीफ थेरेपीज़। जो छोटे टाइम के लिए चलाई जाती हैं थेरेपीज़, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम सब। सो जो कैटेगरीज यहाँ यूज़ हुई हैं वो है साइकोडायनामिक्स, कॉग्निटिव बिहेवियरल, रिलेशनल, एक्लेक्टिक और वेरी ब्रीफ थेरेपी। ये सारी थेरेपीज़ हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहला जो है वो साइकोडायनामिक अप्रोचेस के बारे में बात की गई है। तो पहले की जो साइको एनालिटिक थेरेपीज होती थी वो बहुत बड़ी होती थी। अब पहले की जो जितनी भी साइको एनालिटिक थेरेपीज आप देखेंगे वो काफ़ी छोटी होती थी एज कम्पेयर टू जो अब थेरेपीज आई हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। अगेन मॉडर्न ब्रीफ साइकोडायनामिक थेरेपीज की बात करें तो इनकी जो जितनी भी रूट्स हैं वो कहाँ पे है। जो काम किया है फेरेंचजी ने 1920 में, अलेक्जेंडर ने और फ्रेंच ने, इन लोगों ने जो भी काम किया है वहाँ से ये ब्रीफ साइकोडायनामिक थेरेपीज मॉडर्न वाली स्टार्ट हुई है, या वहाँ से इन्होंने अपना लॉजिक उठाया है। तो साइको एनालिस्ट ये जानते थे कोई सिंपल कोरिलेशन नहीं है थेरेपेटिक जो रिजल्ट आते हैं और टाइम और इंटेंसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट में, ऐसा कोई उनको कोरिलेशन नज़र नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी हम थेरेपेटिक रिजल्ट्स लोगों के आए हैं, यानी कि हम जब थेरेपी देते हैं उसके बाद क्या आउटकम आया उस पेशेंट का, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने लंबे समय तक उसको ट्रीटमेंट दिया है या कितना इंटेंस ट्रीटमेंट था, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इवन क्विक थेरेपीज़ में भी वही रिजल्ट हमें मिलते थे जो एक लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ में मिलते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि हमें लंबी थेरेपीज़ पे ही अटैच रहना है, हम शॉर्ट थेरेपीज़ भी कर सकते हैं। अब डेविड मैलन जो हैं उनकी जो थेरेपीज़ रही हैं वो रेडिकल भी रही हैं और बाद में इंटेंसिव भी हो गई। उन्होंने केयरफुली असेस किया कुछ सिलेक्टेड पेशेंट को और उनके लिए टाइम लिमिट भी सेट किया शॉर्टर थेरेपीज़ का, कि शॉर्टर थेरेपीज़ में कितने टाइम तक के लिए हमें ये थेरेपी देनी है करके। और जो सेंट्रल प्रॉब्लम किस तरीके की है उसके बेसिस पे उन्होंने ये टाइम लिमिट डिसाइड किया है और पेशेंट को असेस करने के बाद। तो दो फैक्टर्स हम करते हैं, एक तो ये कि पेशेंट का क्या है, क्या प्रॉब्लम है उसकी, और उसको असेस करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। और जो शॉर्टर थेरेपीज़ की टाइम लिमिट है वो कितनी होगी उसको हम बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, ऐसा डेविड मैलन ने कहा। ये जो अप्रोच है ये टाइम लिमिट को ज़रूर फेवर करती है कि हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट डेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस थेरेपी की लास्ट डेट क्या होगी। अब वो जो हमने लास्ट डेट डिसाइड की है उसके बेसिस पे फिर हम अपने सेशंस डिसाइड करते हैं कि हमें नंबर ऑफ सेशंस कितने लेने हैं। और इसमें कॉमन डिफ़िकल्टी क्या आती है, कभी कभी ना सेशंस पेशेंट्स मिस कर जाते हैं, और उसके पीछे रीज़न भी कुछ भी हो सकता है, जानबूझ के भी कर सकते हैं या इसीलिए भी कर सकते हैं कि उनको वो भागना चाहते हैं कुछ चीज़ों से, वो फेस नहीं करना चाहते, ये रीज़न भी हो सकता है। लेकिन जब हम टाइम लिमिट डाल देते हैं कि भाई इस डेट को हमें सारे सेशंस ले लेने हैं, तो अगेन पेशेंट को पुश अपने आप ही होता है कि भाई ये लास्ट डेट है, अब इससे पहले पहले मुझे सेशंस लेने ही होंगे। जो अपर लिमिट किसी भी सेशन की हम रख सकते हैं वो 30 रख सकते हैं, मतलब आप 30 सेशन से ज़्यादा ब्रीफ थेरेपीज़ में नहीं ले सकते। मैलन ने और भी बहुत सारी चीज़ें अपने स्टडीज़ और रिसर्च में बताई। उन्होंने ये बताया है, उनके साइकोडायनेमिक असेसमेंट जब इन्होंने पेशेंट्स के फैमिली के ऊपर किए या मेडिकल हिस्ट्री देखी, पास्ट और करंट रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करी और कैसे करंट डिफ़िकल्टी आ रही है उसके, और इन सबको देखते हुए इनको ये पता चला कि क्या अर्ली एक्सपीरियंसेस भी मैटर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देख के ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस तरह की थेरेपी देनी है और कितने टाइम की देनी है, किस तरह की क्वालिटी हमें रखनी है असेसमेंट की, वो भी इस पे डिपेंड करता है। तो असेसमेंट हमें ये सारी चीज़ें अलाउ करता है कि हम जज कर सकें कि हमें जो जब हम ट्रायल इंटरप्रिटेशन, क्या हम इसमें फ़ायदा होगा कि जब हम थोड़े सेशन लेने के बाद इंटरप्रेट कर लें पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, या पेशेंट और उस जो हम इंटरप्रेट करेंगे थोड़े से जजमेंट के बाद, क्या उससे पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है, और अगर नहीं करता है देन हमें हम लॉन्गर थेरेपीज देते हैं। अदरवाइज हम ब्रीफ थेरेपी में ही काम करते हैं, ब्रीफ डायनामिक थेरेपी के फॉर्म में ही काम करते हैं, और ब्रीफ डायनामिक थेरेपी जो होती है वो ही उसको बेनिफिट कर देती है। तो जो ऊपर मैंने बताया पास्ट हिस्ट्री ये सब, इनको हम एसेस करते हैं, उससे इंटरप्रेट करते हैं उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को, एंड देन ब्रीफ थेरेपी सबसे पहले देते हैं। अगर उससे बेनिफिट होता है देन ओके। अगर मैथड खुद जैसे कि साइको एनालिटिक मेथड होता है, देन ट्रांसपेरेंट से इंटरप्रेट करना हो गया, देन उसके जो पास्ट चाइल्डहुड रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस है उससे अगर हमें फ़ायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह का पेशेंट है और किस तरह से डील करना है, क्या करना है, तो ठीक है, वरना फिर हमें लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है। मैलन ने डिस्क्राइब किए थे 2 ट्राइंगल्स के बारे में, 2 ट्राइंगल के बारे में भी इन्होंने बताया। इसमें यहाँ पे ऊपर आप हेडिंग भी देख सकते हैं, डेविड मैलन एंड द ट्रायंगल ऑफ इनसाइट। तो ये ट्रायंगल ऑफ इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में ही पूछ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ का। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि 2 ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। एक है ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है ट्रायंगल ऑफ पर्सन्स। ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल्स की बात हो रही है। अब ये इसमें 3 एंगल कौन कौन से हैं? पहला है इम्पल्स, दूसरा है एंग्जाइटी और तीसरा है डिफेंस। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इम्पल्स जैसे ही मिलती है पेशेंट को तो वो क्या करता है, उसमें एंग्जाइटी क्रिएट होती है और फिर उसके डिफेंसेस एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर वो रिएक्ट करता है। दूसरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ पर्सन्स, उसमें क्या है 3 एंगल्स। पहला है करंट रिलेशनशिप, दूसरा है थेरेपिस्ट एंड तीसरा है पेरेंट। यानी कि उसका जो अभी की रिलेशनशिप है वो कैसी है, और थेरेपिस्ट के साथ वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उसके पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे थे, वो एक और दूसरा ट्रायंगल बना देता है। तो ये जो 2 ट्रायंगल फॉर्मुलेशन है ये बड़ा इकोनॉमिकल है। यानी कि अगर हम ये जो 2 ट्रायंगल्स का लॉजिक है इसको यूज़ करें तो हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं पेशेंट में, और ये इकोनॉमिकल भी होता है और ये थेरेपिस्ट के लिए भी बहुत आसान तरीका होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर हम फोकस डाल सकते हैं। हॉल्म्स ने भी एक एग्जाम्पल देके बताया था, मान लो किसी को एगोराफोबिया मतलब भीड़ में जाने से डरना अगर है, तो उसके वो डिफेंड कैसे करता है अपनी एंग्जाइटी को, कि वो अवॉइड करता है भीड़ में जाना, वो दूसरे पे डिपेंड हो जाता है, अकेला नहीं जाएगा, किसी को साथ में लेके जाएगा। तो ये एगोराफोबिया का फर्स्ट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगेन उसके पीछे अंडरलाइन हिडन फीलिंग्स क्या हो सकती है, डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, और स्पाउस की तरफ एग्रेशन शो करेगा वो, या डिससेटिस्फैक्शन शो करेगा। उसके पास्ट किस तरह का था, मदर उसकी कंट्रोलिंग और अनअफेक्शनेट तो नहीं थी, इस वजह से वो ऐसा है। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें देखना होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं इस एग्जाम्पल में। सो थेरेपिस्ट जो है उसको लिंक बनाना पड़ेगा किस किस में, एंग्जाइटी, डिफेंस और हिडन इम्पल्स में, एंड देन उसके पास्ट रिलेशनशिप के बीच में पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स थे, करंट रिलेशनशिप कैसा है और उसका थेरेपेटिक रिलेशनशिप कैसा है। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान दे देंगे तो हम बहुत सारे उसके चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। अगर पेशेंट हेल्प हो जाती है उसको इससे, और वो अपने एंग्जाइटी को टॉलरेट कर पाता है, अपने हिडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है, तो ये जो ट्रायंगल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इज़ वेरी यूजफुल करंट रिलेशनशिप्स पे एक्ट करने के लिए, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। हबीब डेवनलू के वर्क के बारे में बात करते हैं तो डेवनलू ने 1978 एंड 1990 के मेथड के बारे में बात किया है। डेवनलूज मेथड कहते हैं इसको। ये ऑर्थोडॉक्स साइकोडायनामिक कॉन्फ्लिक्ट मॉडल जो है उस पर रिलाई करता है और ये जो ऑर्थोडॉक्स साइकोडायनामिक ड्राइव मॉडल है ये फ्रीवुड के स्टडी पे बेस्ड है, मतलब उन्होंने जो स्टडी की थी उस पे बेस्ड है। और ये मेथड इन्वॉल्व करता है कि पेशेंट को प्रेशराइज करो कि वो अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाले, उसके अंदर की वॉगनेस, उसकी अवॉइडेंस, जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं या वो बार बार भागता है, उसके ऐसे साइंस जो उसको एंग्जाइटीज शो करती हैं, एंग्जाइटी जिस वजह से आती है उसको हटाने के लिए हमें उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा, पेशेंट को ज़बरदस्ती उससे बुलवाना पड़ेगा कि भाई बता क्या है क्या है, उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो जब बार बार हम कन्फ्रंट करेंगे तो उसको एंगर आएगा, जब वो एंगर आएगा तो वो अपनी चीज़ों को बताएगा, ट्रायंगल ऑफ पर्सन्स को के फॉर्म में अपनी चीज़ें बताएगा और ट्रांसफरेंस इंटरप्रिटेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है और हम उसके अंदर जो एंगर भरा हुआ है पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको हम निकाल सकते हैं, वार्ड ऑफ कर सकते हैं और री एक्सपीरियंस में ले जा सकते हैं। एक वो फिर से री एक्सपीरियंस करेगा जो उसके अंदर बुरी चीज़ें भरी हुई हैं एंड वो ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट है एंग्जाइटी प्रोवोकिंग है एंग्जाइटी सप्रेसिव थेरेपीज। ये दो थेरेपीज है जो पीटर सिफनियोस ने दी थी 1972 एंड 1979 में। पहली चीज़ जो एंजाइटी प्रोवोकिंग टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे, ये टेक्निक जो है ये बेस्ड है केयरफुल सिलेक्शन क्राइटेरिया पे, अर्ली और एक्टिव ट्रांसफरेंस इंटरप्रिटेशन में एंड कन्फ्रंटेशन, मतलब तीन चीज़ें हम करते हैं, ट्रांसफरेंस, कन्फ्रंटेशन और जो भी हमने टेक्निक्स पहले केयरफुल सिलेक्शन से हम जो हम यूज़ करेंगे उससे। तो कम इन्होंने इस चीज़ में कम अटेंशन दी है, टर्मिनेशन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है ये वाली जो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग टेक्निक है इसमें। ये ज़्यादा एम्फेसिस किस में दे रहे हैं, पहली मीटिंग में पेशेंट के साथ जब हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें कि वो क्या बता रहा है थेरेपी के लिए, उससे हमें ये पता चल जाता है थेरेपी हमें किस डायरेक्शन में लेके जानी है। जो थेरेपिस्ट है उसको एक्टिव होना पड़ेगा और साथ में पेशेंट भी उसी तरह से रेस्पॉन्ड करे तो फ़ायदा होगा। ये जो थेरेपी होती है ये किसी भी उस पेशेंट पे एप्लीकेबल है जो वेल सर्कमस्क्राइब्ड न्यूरोटिक सिम्टम्स के साथ आया है और जो हमारा जो एम होगा वो होगा डायनामिक चेंज, लिमिटेड डायनामिक चेंज लाना। देन दूसरा एम हमारा ये हो सकता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तीसरा होगा क्राइसिस इंटरवेंशन, कि उसकी जो क्राइसिस है उसको हम और डिटेल में समझें। जबकि एंजाइटी सप्रेसिव थेरेपी की अगर बात करें ये उन डिस्टर्ब पेशेंट के लिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए है। अगेन ये दोनों जो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी हैं, एंग्जाइटी सप्रेसिव थेरेपीज़ हैं, ये दोनों में डिफरेंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसको अच्छे से आप करिएगा। एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी में जो पेशेंट है जिसको हम देखते हैं उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो ओएडिपल लेवल ऑफ फंक्शनिंग के लेवल पे होगी, मतलब जो ओएडिपल लेवल उसके अंदर देखा जाएगा। ओएडिपस कॉम्प्लेक्स तो आपको पता है ना, ये उसी से निकल के आया है कि जब बॉय को ऐसा लगता है जब उसको मदर की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, फादर को वो अपना कंपटीशन मानता है तो उसे ओएडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें प्रॉब्लम है ओएडिपल लेवल ऑफ फंक्शनिंग की। क्लिनिकल असेसमेंट इसमें चाहिए होता है, जिसमें जब भी हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं तो हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है, पेशेंट की डिफ़िकल्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओएडिपल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में के टाइम पे जब ओएडिपस कॉम्प्लेक्स शुरू होता है उस टाइम पे, वो चाइल्डहुड के टाइम पे 5 साल की उम्र में तब उसको ये डिफ़िकल्टीज ओरिजिनेट हुई होगी, तो हमें उसके बारे में पेशेंट से डिस्कस करना होगा। देन लीगेसी ऑफ 3% रिलेशनशिप जो ऊपर हमने पढ़ा था ट्रायंगल का, वो हमें उसमें चेक करना होगा पेशेंट में। जब हमें एविडेंस, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो एविडेंस देते हैं प्री ओएडिपल प्रॉब्लम्स का, मतलब ओएडिपस कॉम्प्लेक्स होने से पहले वाली स्टेज। इनका जो फॉल्टी और डिस्टर्ब dyadic रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में हमें एविडेंस मिल सकता है पेशेंट से, एंड जो इनएप्रोप्रिएट थॉट्स उसके अंदर हैं, जो एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी होती है, इसमें हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा क्योंकि इनको डिफ़िकल्टीज होती हैं ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने में। बेसिक जो ट्रस्ट होता है उसको इस्टेब्लिश करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं इन पेशेंट्स को। सो एक वर्किंग थेरेपेटिक अलायंस बनाना और उस ट्रीटमेंट को टर्मिनेट करना, इसके लिए हमें ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के साथ। ट्रीटमेंट जो एंजाइटी प्रोवोकिंग का होता है, जनरली होता है कि पेशेंट को हम कन्फ्रंट करते हैं उसके डिफेंसेस को लेकर, जिस चीज़ से वो बच के भागना चाहता है उसी पे हम उसको कन्फ्रंट करेंगे और हम उसके फंक्शन जो डिफेंसेस हैं उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम उसको कन्फ्रंट करेंगे, ये ध्यान रखना है। ट्रांसफरेंस को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं रिगरसली, कोई भी कहीं पे भी जहाँ पे वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है उस पर हमें ध्यान देना होगा, रेसिस्टेंसेस को पकड़ना होगा डायरेक्टली और वो डाटा जो हमें रिसीव हुआ है पेशेंट से उसी के बेसिस पे हम उसके डिफेंसेस को पकड़ेंगे, उसके रेजिस्टेंसेस को पकड़ेंगे। सिफनियोस जो है ये टर्मिनेशन डेट, डेफिनेट टर्मिनेशन डेट का फ्रेमवर्क डिफाइन नहीं करते, ना यूज करते हैं इसको। वो ये कहते हैं कि कोई टाइम लिमिट सेट नहीं होती, पेशेंट को इन्फॉर्म लेकिन कर दिया जाता है कि हम ट्रीटमेंट जो है कब तक लास्ट करना है। कई बारी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महीनों तक चलता है और ये जो टर्मिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कब ट्रीटमेंट को टर्मिनेट करना है ये डिपेंड करता है, ये पेशेंट को एनकरेज करते हैं हम कि वो खुद डिसाइड करे कि उसको टर्मिनेट कब करना है ट्रीटमेंट को। जो टर्मिनेशन होता है ये पेशेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट माना गया है इस थेरेपी में, जो अगेन अगर ऐसा है तो पेशेंट की जो डिपेंडेंसी होती है और पैसिविटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिफनियोस का एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी जो होती है वो मैक्सिमम 20 सेशंस का होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 12 से 16 सेशंस में ख़त्म हो जाता है, 12 टू 16 सेशंस में। अब हमें ये देखना है, ये कुछ पॉइंट दिए हैं, हमें ये बताया है कि क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, जिसमें कौन कौन से, जब हम पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं इस थेरेपी के लिए तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इनको आपको एक एक बार रीड करना होगा। जैसा पहला है एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू प्रेजेंट विद अ सर्कमस्क्राइब्ड कंप्लेंट्स। पहली बार तो पेशेंट अपने आसपास की जो भी उसको कंप्लेंट्स है वो बता सके अच्छे से। दूसरा, एविडेंस ऑफ ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वो अब उसके कैसे रिलेशनशिप थे उसका वो एविडेंस दे सके। देन कैपेसिटी टू रिलेट टू द थेरेपिस्ट, वो थेरेपिस्ट की बात को समझ सके फर्स्ट मीटिंग में कि क्या बात हो रही है, थेरेपिस्ट से वेवलेंथ मैच हो रही है कि नहीं, रिपोर्ट बना पा रहा है कि नहीं और अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं। एंड देन साइकोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन एंड इंटेलिजेंस, इतना है कि वो समझ पा रहा है बात को थेरेपिस्ट की और अंडरस्टैंड कर पा रहा है और रेस्पॉन्ड कर पा रहा है। उसका मोटिव नेक्स्ट है, उसका मोटिवेशन है इन सिम्टम्स से रिलीफ पाने का और चेंज करने का इन चीज़ों को। नेक्स्ट है उसकी जो एबिलिटी है सिम्टम्स को देखने की, क्या साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में वो अपने सिम्टम्स को देख पा रहा है। देन इमोशनल ऑनेस्टी है उसके अंदर या नहीं है, वो इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहा है खुद को कि नहीं कर पा रहा है, उसकी वो कैपेसिटी हमें पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है वो एक्टिवली ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कि नहीं। एंड देन उसका रियलिस्टिक व्यू क्या है कि थेरेपी में वो क्या अचीव कर पाएगा, क्या अचीव कर सकते हैं। एंड उसकी विलिंगनेस है नेसेसरी सेक्रीफाइस करने की कि नहीं। अगर ये पॉइंट्स को वो फॉलो करता है तो यानी कि हम उसको एंजाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू एंजाइटी सप्रेसिव थेरेपी, देखिए कितना डिटेल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। एंजाइटी सप्रेसिव थेरेपी की बात करें तो ये लेस हेल्दी पेशेंट्स के लिए हैं जो ज़्यादा हेल्दी नहीं होते और वो जो डिस्कम्फर्टेड होते हैं। कन्फ्रंटेशनल अगर हम कन्फ्रंट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को तो इनमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती नहीं है कि ये इनको हम प्रोवोक कर सकें, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके लिए ये एंग्जाइटी सप्रेसिव थेरेपी होती है। इसका एम होता है उन पेशेंट्स के पे ये काम करती है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और प्री ऑडिबल पेशेंट होने चाहिए ये। एंड मोर सपोर्टिव थेरेपी होगी हमारी नेचर में जिसमें एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन आएगा, यानी कि आसपास के एनवायरमेंट के लोगों की भी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स की, रिलेशंस की, रीअश्योर करना होगा पेशेंट को, और मेडिकेशन भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्राइसिस सपोर्ट 2 मंथ्स तक दिया जा सकता है। ब्रीफ थेरेपी जो होती है वो 2 महीने से लेके 1 साल तक चल सकती है इन पेशेंट्स की। जो लॉन्ग स्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज होती हैं उसके लिए ज़रूरी है कि पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए लॉन्गर टर्म थेरेपी के लिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे ढंग से ऐसे पेशेंट्स का। जो पेशेंट रिसीव करते हैं एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थेरेपी वो वीकली आते हैं, जब जितना भी टाइम होगा वो हफ्ते में एक बार ही अटेंड करेंगे। जबकि जो एंग्जाइटी सप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं ये इनको फ्रीक्वेंटली आना पड़ता है सेशंस के लिए, और इनके सेशंस बहुत इंटेंसिव होते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स इनको आना पड़ता है एक्चुअली वीक में, और समटाइम्स कुछ मिनटों में ही हम उनको छोड़ देते हैं क्योंकि डिपेंड करता है कि उसका कैसा साइकोलॉजिकल सेटअप कैसा है उस दिन पर्टिकुलर। सो इसलिए क्राइसिस ओरिएंटेड होता है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो थेरेपी होती है क्राइसिस ओरिएंटेड होती है और सपोर्टिव डायरेक्शन में होती है ये थेरेपी। नाउ जेम्स मैन की बात करते हैं। जेम्स मैन जो है 1978 में साइको एनालिटिकल ट्रेडिशन के अंदर ही इन्होंने काम किया है, और ये साइकोडायनामिक और रिलेशनल थेरेपी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है इनकी थेरेपी। जो इनके खुद के एग्जिस्टेंशियल मेथड भी है, टाइम लिमिटेड साइकोथेरेपी इन्होंने यूज़ करी। टाइम जो है ये रियलिटी से लिंक्ड है ऐसा इन्होंने कहा, और ये ह्यूमन यर्निंग टू डिनाई टाइम रियलिटी, लेकिन टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने नहीं दी है। इनका मानना है कि जब इंसान अपने चाइल्डहुड के बारे में जब उसको याद रहता है, जो टाइमलेस पीरियड होता है चाइल्डहुड का, उसके बारे में उसको क्या याद है, और जब ऐसे लोग क्या करते हैं जब ये एडल्ट हो गए होते हैं तभी भी ये डे ड्रीमिंग, ड्रीम्स में या किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, या ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं अल्कोहल वगैरह, और ड्रग्स लेना शुरू हो जाते हैं, या मिस्टिक स्टेट में भी ये आ जाते हैं। ब्रीफ थेरेपीज जो होती हैं ये जो फाइनाइटनेस है टाइम की उसके हॉरर को इवोक करती हैं, इवोक करना मतलब बढ़ाती हैं, और जैसे पेशेंट को ये समझ में आता है कि जो लिमिटेड टाइम है उसके पास उसके ऊपर उसको लर्न करना है कैसे अपने आप को हैंडल करना है, वो चीज़ें वो सीखता है। और मैजिकल टाइमलेस ओमनीपोटेंट फैंटेसीज जो उसके अंदर होती हैं उसको वो समझ पाता है कि अब उसको उस सर्कमस्टेंसेस में नहीं रहना है, हटना है उस चीज़ से। मान ने ये भी बोला कि 1 या 2 इनटेक इंटरव्यूज बहुत ज़रूरी होते हैं सो दैट हम स्टैब्लिश कर सकें एक क्या कॉन्फ्लिक्ट है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है पेशेंट में, और जो करंट सफरिंग है उसका पास्ट से क्या रिलेशन है, और उसका जो पेन है उसको वो कैसे जो क्रॉनिकल एंड्योरिंग पेन है उसके अंदर उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए 1 या 2 इनटेक इंटरव्यूज बहुत ज़रूरी होते हैं ऐसे पेशेंट्स के। इस थेरेपी का जो फोकस है ये है पेशेंट की सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना। जो फॉर्मुलेशन है इसका, इस थेरेपी का, वो ऐसा है कि हम पेशेंट को गोल देते हैं, थेरेपी का गोल सेट करते पेशेंट के साथ, और 12 सेशंस में हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसे ऑफर करते हैं कि हम 12 सेशंस में इसको ख़त्म कर देंगे, ना 12 सेशन से कम ना 12 सेशन से ज़्यादा। जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ होती है सेशन की वो लिमिट के अंदर ही होती है, और काफ़ी फ्लैक्सिबल हम रखते हैं लेंथ और फ्रीक्वेंसी सेशंस की। जो कैलेंडर होता है ये भी हम कंसल्ट करते हैं, और टाइम भी कंसल्ट करते हैं हर एक अपॉइंटमेंट का, प्लस एग्जैक्ट डेट भी करते हैं। और 12th मीटिंग हमारी लास्ट हम सेट कर लेते हैं क्योंकि 12 सेशन से ज़्यादा हम लेते नहीं है ना इस वाली थेरेपी में, ऐसा उन्होंने बताया। एक टिपिकल कोर्स ऑफ थेरेपी बहुत ज़रूरी है अर्ली रिलीफ के लिए, और वो इम्प्रूव कर जाए इस वजह से। मिडिल फेज होता है जहाँ पे ये जो एंथुसियाज्म है पेशेंट का वो ख़त्म होने लगता है और कंफ्यूज स्टेट ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे जो पेशेंट है वो एंडिंग में आने लगता है, इस थेरेपी की एंडिंग होने लगती है तो एंजाइटी इवोक होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिना रिजोल्यूशन के अगर सेपरेशन हो रहा है थेरेपिस्ट से या वो कंफ्यूजन स्टेट में पहुंच रहा है थेरेपी के एंड होने तक, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को एंजाइटी आएगी। एंड फेज जब आ गया होता है तो हम देखेंगे कि वो सैडनेस की फीलिंग, ग्रीफ, एंगर, गिल्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट और थेरेपी के एंड में उसको डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो थेरेपिस्ट भी इनफैक्ट कभी कभी ऐसा फील करते हैं, उनको भी प्रेशर होता है और कि थेरेपी अब एंड होने वाली है। तो इस तरह की एंग्जाइटी ऑफ सेपरेशन जो आता है बिना रिजोल्यूशन के, ये ठीक नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए मान ने क्या कहा? मान ने ये कहा कि एक्टिव मैनेजमेंट जो है टर्मिनेशन का वो बहुत ज़रूरी है। ये अलाउ करेगा कि पेशेंट को इंटरनलाइज किया जाए थेरेपिस्ट से और जो टाइम है, टाइम को हमेशा इस तरह से लेना है, जो टर्मिनेशन का टाइम आता है पॉजिटिव वे में लेना है। जब भी ये टर्मिनेशन आता है तो वो एंगर लेडन नहीं होना चाहिए, गिल्ट लेडन नहीं होना चाहिए और ऐसा फील नहीं होना चाहिए उसको कि सेपरेशन हो रहा है। तो इसीलिए जब भी टर्मिनेशन होता है तो ये मैच्योरेशनल लेवल पे होता है। कोई भी एंगर जो होता है उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल वे में और उसको एक्सप्लोर भी हम करेंगे जब भी इस तरह की थेरेपी देंगे कि सारा उसको ऐसा लगे कि हाँ हर एक एंगल को टच किया गया है, हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है। Now coming to cognitive and behavioral approaches, ये तीन टाइप की होती है, behavioral, CBT and cognitive theories। ये तीनों की तीनों brief therapies में आती हैं। पिछले 30 years में ये कुछ ज़्यादा ही popular हुई है। हर एक mental health care professional इसको बहुत wide range में use करता है, CBT, cognitive therapies and behavioral therapies, physical और ये और कहाँ कहाँ मेंटल हेल्थ केयर में तो यूज़ होती है, ये फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होती है और हेल्थ प्रमोशन के लिए भी यूज़ होती है। नाउ कमिंग टू CBT एंड कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी, ये दोनों जो मेथड्स हैं ये ब्रीफली डिज़ाइन किए गए, मतलब ब्रीफ पीरियड की ही थेरेपीज हैं ये, और ये फोकस करती हैं ख़ासतौर से उन पेशेंट को जिनको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। और लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं ये विदाउट कोमॉर्बिड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि साथ में कोई और बीमारी एकम्पनीड ना हो, ये अकेली सिंगल हो, तभी हम इनको ये वाली थेरेपीज देंगे। आजकल PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स, सोमैटिक प्रॉब्लम्स, इसमें भी ये थेरेपीज यूज़ की गई हैं। और आज कुछ न्यूअर एप्लीकेशंस हैं जो ब्रीफ नहीं है, जैसे कि CBT जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या साइकोसिस के लिए होती हैं वो ब्रीफ नहीं होती। तो कौन सी ब्रीफ हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, उस पे हमें काम करना होगा। CBT एम्फेसाइज करती है कि फंक्शनल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स का या अनवांटेड इमोशंस का, इन टर्म्स ऑफ कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनका कग्निशन कैसा है, इसका कंसिक्वेंस क्या होता है उनके एंटीसीडेंट्स का, ये सारी चीज़ें हमें CBT में ध्यान रखना होगा। तो CBT जो होती है ये गाइड करती है कि एक्टिव टेक्निक हम कौन सी यूज़ करेंगे, जैसे कि साइको एजुकेशन करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, इमेजिनल करेंगे या इन वीवो एक्सपोजर करेंगे या रेस्पॉन्स प्रिवेंशन करेंगे या कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे या बिहेवियरल एक्टिवेशन करेंगे। तो जो इनका क्या बिहेवियर है, किस तरह का ये एक्टिविटी करते हैं, उसके बेसिस पे हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे एक्ट करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट जो होते हैं ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो थेरेपिस्ट का रोल है वो होता है फैसिलिटेट करना न्यू एक्सपीरियंसेस को और जो बिहेवियर और कॉग्निटिव चेंजेस लाना, उन क्लाइंट की जो अवेयरनेस है उनकी सक्सेस एक्सपीरियंस को उसको मेंटेन करना, यानी क्लाइंट का जब बिहेवियर चेंज होता है वो देखता है कि हाँ मैंने पहले जैसा बिहेव नहीं किया, तो उसको वो सक्सेस लगती है एंड उस चीज़ को वो मेंटेन करता रहा। ऐसा नहीं कि एक बार ही किया उसके अगले बार से फिर वो उसी बिहेवियर पे पहुंच गया जो नहीं करना चाहिए था। तो प्रेजेंट और पास्ट फंक्शनिंग के डिफरेंस को भी थेरेपिस्ट का रोल है कि वो दिखाए पेशेंट को कि देखो पहले ऐसे करते थे अब ऐसा करते हो। कॉग्निटिव थेरेपी जो है ये ये एरन बैक के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर फर्स्ट ईयर में, तो एरन बैक ने की कॉग्निटिव मॉडल ऑफ इमोशंस ऐसे करके उन्होंने अपनी एक मॉडल बताया था। तो ये कॉग्निटिव थेरेपी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो वो हमेशा ये कहते हैं ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं हमेशा किसी चीज़ को परसीव करने की और आप किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं उसकी। तो जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को, वो एक ट्रैप हो जाते हैं स्पेसिफिक और अनहेल्पफुल वे में। किसी भी इवेंट को जब वो परसीव करते तो एक स्पेसिफिक वे में परसीव करते हैं, जिसकी वजह से वो अनहेल्पफुल फील करते हैं और हमेशा ऐसे ही होता है कि उस तरह के कोई भी इवेंट आए तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जो उनका पर्टिकुलर एजम्पशन होता है या बिलीफ होता है अर्लियर लाइफ में जो उन्होंने सीखा था उसी पे बेस्ड होता है। जो थेरेपिस्ट है, अब थेरेपिस्ट का क्या काम है अगर ऐसा है तो? थेरेपिस्ट कोलैबोरेटिवली वर्क करेगा, यानी पेशेंट के साथ मिलकर काम करेगा, क्लाइंट को बोलेगा कि वो एक्सप्लोर करे कि और कौन कौन से तरीके हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के, इस सिचुएशन को समझने के, इस सिचुएशन पर एक्ट करने के, और वो ये जो एम्पावरिंग हम करेंगे उसकी चॉइस क्या है, मतलब किस तरह। अब जब तरह तरह के वेज हैं तो उनमें से वो रेस्पॉन्स को कौन सी वाली चॉइस को वो चूज करेगा, इन ऑप्शंस में से किसको चूज करेगा। तो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है कि गाइडेड डिस्कवरी का। गाइडेड डिस्कवरी मतलब हम उसके जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए, उसको ऑल्टरनेटिव्स उसको सोचने होंगे एंड देन उसको रिएक्ट करना होगा। और उसका न्यू जो तरीका है सोचने का, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब सपोज एक कोई प्रॉब्लम है उसकी और उसने 5 उसके सोल्यूशन बताए, अब हम उससे पूछेंगे ये पांचों जो सोल्यूशन है इनके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, तो कौन सा कंसिक्वेंस ऐसा है जो उसको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा और वो फिर उसी को फॉलो करेगा। तो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो होता है ये फोकस करता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट के कंपैरिजन में कम फोकस करता है बिहेवियरल एंटीसीडेंट्स पे या फिर कंसिक्वेंसेस पे, स्पेशली इम्पैक्ट क्या होगा इसका उसके बिहेवियर का दूसरों पे उसके कंपैरिजन में। तो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट सिर्फ सोच को बदलने की कोशिश करता है, जबकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट एक्ट भी करवाते हैं। थेरेपी लेंथ की अगर बात करें, ये भी फिक्स करना ज़रूरी है और ये रिसर्च के लिए भी हेल्पफुल होती है, रिसर्च पर्पसेस के लिए भी, कि हम थेरेपी की लेंथ को फिक्स करें। सो प्रैग्मेटिकली जब हम क्लाइंट का रूटीन प्रैक्टिस होती है जो उसको हम नेगोशिएट करते हैं, थेरेपिस्ट 8 से लेकर 20 सेशंस देता है इसमें, और फॉलोअप एंड बूस्टर सेशंस भी होते हैं। जैसे कि कभी कभी डिप्रेशन में रिलैप्स होने की चांस होती है, तो रिलैप्स को बचाने के लिए हमें फॉलोअप लेना होता है एंड देन उसके बाद बूस्टर सेशंस भी होते हैं। अगेन क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं वो थेरेपी को जल्दी से टर्मिनेट करने के फेवर में नहीं होते, वो धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं सेशंस की फ्रीक्वेंसी और ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म थेरेपी की ज़रूरत होती है, तो उसके बेसिस पे CBT की जाती है। नाउ कमिंग टू इंटरपर्सनल थेरेपी, IPT, इसके बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये साइकियाट्रिस्ट्स ने ही डेवलप करी थी और ये जनरली मेडिकेशन के साथ दी जाती है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। ये इंटरपर्सनल साइकियाट्री ऑफ हैरी स्टैक सुलिवन और जो बाकी के हैं साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने बनाई थी ये IPT। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? फॉर्मेशन, डिसरप्शन एंड रिन्यूअल ऑफ अटैचमेंट बॉन्ड्स। तो हम क्या करते हैं इसका, जब हम ये थेरेपी देते हैं तो इस थेरेपी में रिसर्च से ये पता चला है कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो अटैचमेंट बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, वो डिसरप्ट कैसे होते हैं और हम उस अटैचमेंट बॉन्ड्स को कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन न्यूरोसिस एंड डेफिसिट्स इन सोशल बॉन्ड्स। तो डेफिसिट्स एंड न्यूरोसिस के बीच में लिंक है। जो डिप्रेशन है ये वो मेथड डिप्रेशन में हम क्या करते हैं, हम वो मेथड यूज करते हैं, स्पेशली वो मेथड अवॉइड करते हैं जो इंट्रासाइकिक चीज़ों को एम्फेसिस देते हैं। साइकोडायनेमिक हो गया या ऑब्जेक्ट रिलेशन होगा, इन चीज़ को हम अवॉइड करते हैं इसमें। और हमारा जो कॉमन सीबीटी होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये एक्टिव टेक्निक मानी गई है आईपीटी में। आईपीटी के 4 प्रॉब्लम एरियाज आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, पिछले 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? ग्रीफ है, रोल डिस्प्यूट है, रोल ट्रांजिशंस हैं, इंटरपर्सनल डेफिसिट्स हैं। ये 4 एरियाज पे हम आईपीटी में काम करते हैं। जो अर्ली फेज होता है उसमें सिर्फ हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट का और निगोशिएट करते हैं ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे, वो पेशेंट से मिलके। और सिम्टम्स के रिव्यूज़ भी बार बार हम लेते हैं कि सिम्टम्स के अब क्या हाल है। डायग्नोसिस को कंफर्म करना, देन जो कई पेशेंट सिक रोल प्ले करने लगते हैं उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को असेस करते हैं हम इसमें, और प्रॉब्लम एरियाज का क्या चॉइस है या मेडिकेशन प्लान क्या है वो सारा भी हम डिस्कस करते हैं। जो मेडिकल मॉडल है डिप्रेशन का उसके अंदर ही रह के हम ये सारी चीज़ें करते हैं। साइको एजुकेशनल एम्फेसिस भी दिया जाता है सो दैट डिप्रेसिव इलनेस के जो इफेक्ट होते हैं उसको हम समझ सकें और सेल्फ ब्लेम को हम रिड्यूस कर सकें। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो मॉर्निंग मतलब रोना, मॉर्निंग जैसे कभी कोई एक्सपायर हो गया तो जो कई लोग क्या करते हैं अंदर गम को दबा के बैठे रहते हैं, वो रोते नहीं हैं, तो हम उसको भी फैसिलिटेट कर सकते हैं क्योंकि इस आईपीटी में ये भी शामिल है। उससे हम फैसिलिटेट जब कर सकते हैं, उसके डिस्प्यूट्स के इश्यूज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव एक्शंस डिस्कस कर सकते हैं, पेशेंट को एनकरेज करा सकते हैं कि रोल ट्रांजिशन को वो देखें, पॉजिटिव वे में देखें। देन उसकी इंटरपर्सनल डेफिसिट्स जो है उसका रेमेडियल क्या है, उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये जो थेरेपी का टाइम लिमिट इसमें बताया है वो फिक्स नंबर ऑफ सेशंस होते हैं, टिपिकली ये 9 to 12 months तक चलते हैं आईपीटी के। ये हम पहले डिटेल में कर चुके तो इसमें तो इन्होंने थोड़ा अलग ही बताया, बट ठीक है मैक्सिमम 12 months तक चलता है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी पीएसटी जिसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये अगेन ब्रीफ है, ब्रीफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है डिप्रेशन का और ये कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ये एक्सटेंसिवली यूज होता है खास तौर से क्राइसिस इंटरवेंशन की तरह। जब इंसान सुसाइड अटैम्प्ट करता है या सेल्फ हार्म करता है तब हम इस टेक्निक को, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, कोलैबोरेटिव है यानी कि पेशेंट से मिलके हम कुछ भी डिसाइड करते हैं। हमारा फोकस होता है सॉल्यूशंस को जनरेट करना करंट प्रॉब्लम्स की। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसके 5 स्टेजेस माने गए हैं। पहला है एडॉप्टिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, पहले तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन को एडॉप्ट करते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, गोल को सिलेक्ट करते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को चूज करते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन चूज करते हैं उनमें से भी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन को एंड उसको इवेलुएट करते हैं कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। जो मेथड्स इसमें यूज हुए हैं वो इंक्लूड करते हैं कॉग्निटिव मॉडलिंग यानी इंसान जिस तरह से सोचता है उसकी सोच को बदलना, देन प्रॉम्प्टिंग बार बार उसको बताना कहाँ वो गड़बड़ करता है, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस वो खुद को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, लाइक ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि यहाँ उसको गुस्सा आ रहा है अब वो खुद को इंस्ट्रक्ट करेगा नहीं काम डाउन नहीं करना है और मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे किस तरह से हैंडल करना है वो हम सिखाएंगे। री इन्फोर्समेंट, फिर से अब जब वो अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको कुछ मतलब कुछ और पॉजिटिव वे में उसको हैंडल करेंगे तो वो ये समझेगा कि ऐसा करने से उसे फ़ायदा होता है। ये जो सेशंस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी के ये 6 ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं। नाउ कमिंग टू कंप्यूटराइज्ड सीबीटी एंड गाइडेड सेल्फ हार्म, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, तो लेट अस स्टार्ट। कंप्यूटराइज्ड सीबीटी जो होता है और गाइडेड सेल्फ हेल्प होता है ये भी ब्रीफ थेरेपी अप्रोच ही है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए। और ये पर्टिकुलरली क्या करती है, टाइम जो हम थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में आने का है वो रिड्यूस हो जाता है। सीबीटी ज़्यादा एक्सेसिबल है बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए क्योंकि ये जिनको भी फ़ायदा हुआ है उसके लिए सीबीटी तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल है स्टेप्ड केयर, जो ये सजेस्ट करती है कि ये जो थेरेपी होती है कंप्यूटराइज सीबीटी एंड गाइडेड सेल्फ हेल्प, ये ब्रीफियर होती है, मतलब कम टाइम में होने वाली होती है, सिंपल होती है, ज़्यादा एक्सेसिबल थेरेपीज है और ऐसी छोटी ब्रीफ थेरेपीज ही पहले ऑफर करनी चाहिए। मोर कॉम्प्लेक्स बाद में। एक्सपेंसिव और एफर्टफुल थेरेपीज जो होती है वो उन पेशेंट्स के लिए होती हैं जिन्होंने सिंपलर अप्रोचेस को रेस्पॉन्ड नहीं किया, उनके लिए ये होती है। सेल्फ हेल्प इंटरवेंशंस मेंटल हेल्थ में बहुत ज़रूरी है और सीबीटी प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड होती हैं जितनी भी सेल्फ हेल्प होती है। इवन कंप्यूटर जो होते हैं ये बेस्ट माने गए हैं इस तरह की सेल्फ हेल्प मटेरियल्स के लिए। सिस्टमैटिक रिव्यू जब किया गया, मतलब जब स्टडीज़ की गई, रिसर्च की गई इस तरह के कंप्यूटराइज सीबीटी के ऊपर 16 स्टडीज़ की गई, उनमें से 11 ने ये बताया कि कंट्रोल ट्रायल्स के ऊपर जब किए गए कि माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी और डिप्रेशन सीसीबीटी से बहुत इफेक्टिवली ट्रीट किए जा सकते हैं। थेरेपिस्ट लेड सीबीटी जो होती है उसके कंपैरिजन में सीसीबीटी ज़्यादा इफेक्टिव है और स्टैंडर्ड केयर से भी बेटर मानी गई है ये। हालांकि इसके लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है कि हम ये नहीं बोल सकते स्ट्रांगली कि 100% सीसीबीटी ही सही है, लेकिन स्टडीज़ ऐसा शो करती हैं। 16 में से 11 स्टडीज़ ऐसी शो करती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, थोड़ा एक फ्रेमवर्क पता चल गया होगा। आई ऑलवेज सजेस्ट दैट सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्रेमवर्क सो दैट आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे पढ़ना है, इसमें क्या दिया है, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। बट मेरा सजेशन ये है कि आप कम्प्लीटली ऐसे वीडियोस पे रिलाय ना करें। आपको खुद की सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको हेल्प के लिए बना रही हूँ सो दैट आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाए आपको। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस यूज़फुल हैं आपके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हेल्प नहीं मिल पाती, तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें क्योंकि मैं लाइव सेशंस में आती हूँ बिना इंटीमेशन। तो अगर आपको मुझे लाइव कैच करना है तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फिर से आऊँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।